मियां छान में क्या बनाएंगे? आज देखेंगे, फिर सोचा है क्या बनाएंगे, दाल वाल बना लेंगे कुछ। अब बताएं। हाँ बता। आलू के पराठे बनाएंगे। आलू के पराठे? और ऐसे मौसम में क्या बनाएंगे? ऐसे मौसम में कैसे तो ये देखिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि अब बच्चों की फरमाइश है तो बनाना तो पड़ेगा ही, और ठंड का मौसम है इसलिए, तो ठंड में तो वैसे भी पराठे कचौड़ियाँ ये सब बच्चों को पसंद होती हैं, तो बच्चों ने बोला है तो फिर मैं यहाँ पे आलू उबालने के लिए फटाफट रख दिए एक तरफ, और जब तक आलू मतलब उबलेंगे तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी, जैसे आटा गूंथना है, धनिया वनिया काटना है, तो ये सब कर लूँगी। और मतलब पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया है, पूरा प्रोसेस मतलब पूरा वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, आलू के पराठे की पूरी रेसिपी में डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं धनिया निकाल के वही काट रही हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ मैं सेक रही हूँ पराठे बना ले रही हूँ, और फटाफट दूसरी गैस मैंने चढ़ा दी चाय, क्योंकि पराठे तो चाय के साथ ही सब लोग खाते हैं, सबको चाय के साथ ही पराठे खाने पसंद हैं, और स्कूल के दिनों में भी मतलब हफ्ते में दो बार तो टिफ़िन में पराठे होते थे, तो सब लोगों को पराठे खाने पसंद हैं, सब लोग मन से खा लेते हैं। बहुत ठंड है फ्रेंड्स, और पराठे सब लोगों ने खा लिए हैं, बैठ गई हूँ थोड़ी आप लोगों से, क्योंकि बात करनी थी मुझे, क्योंकि एक कमेंट आया है आंटी जी की तबीयत के बारे में, उन्होंने पूछा है कि कैसी है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर बताइए उनके बारे में। तो मम्मी की आप देख सकते हैं बैठी हैं सामने, और उनको जो प्रॉब्लम हुई थी उनके सर में पानी की थैली हुई, मतलब उनके क्या सबके सर में होती है, तो जो पानी की थैली हमारे सर में होती है वो थैली फट चुकी है, तो अभी वो मतलब नहीं सही है, उनको डॉक्टर ने बताया 5-6 महीने लगेंगे रिकवर होने में, वो थैली टीशू कुछ होता होगा तो वो मतलब जो सुखरेगा या मतलब सही होगा तो उसको 5-6 महीने लग जाएंगे सही होते होते, तो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम क्या होती है, इनके सर में आवाज़ आती रहती है, जो सनसनाहट झंझनाहट इस तरीके की, तो जिसकी वजह से मैं इनको मोबाइल भी इनको नहीं देती हूँ बात करने के लिए, किसी का फ़ोन आता तो मैं उनकी बात नहीं करवाती हूँ, इसीलिए उनकी आवाज़ आती है ना इनके कान में, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए इनकी बात नहीं करवाती, क्योंकि बहुत सारे इनकी मम्मी के मोबाइल पे कॉल आते रहते हैं, लेकिन मैं मतलब मैं ही बात कर लेती हूँ, उनकी नहीं बात करवाती हूँ, तो जो लोग ये वीडियो मतलब कुछ लोग वीडियो भी देखते हैं तो वो लोग वीडियो देख के समझ जाए कि प्रॉब्लम है, इसलिए मैं फ़ोन पे बात नहीं करवाती हूँ, क्योंकि शिकायत रहती है ना लोगों की कि फ़ोन पे बात नहीं करवाती या कुछ वो गलत समझ जाए, तो गलत बिल्कुल ना समझे, बुरा ना माने, तो इनको प्रॉब्लम है इसलिए मैं मतलब कॉल पे मतलब कॉल आती तो बात नहीं करवाती हूँ, तो यही सब दिक्कतें हैं। और इनके यहाँ जो हड्डी का मांस होता है वो मांस फटा है, तो उसको भी अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, और जिसकी वजह से मम्मी के सीधे दाहिने वाले हाथ में सूजन भी बहुत ज़्यादा है,
दिखाने गई थी, मतलब हम लोग गए थे संडे सैटरडे को गए थे यहाँ लखनऊ, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर मिले नहीं हड्डी वाले, जो जिनको हमने पिछली बार दिखाया था डॉक्टर वासनेय करके, जिसमें मतलब मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया था, जो कि नवीन गल्ला मंडी के पास में गली अंदर गली वहाँ पर बैठे, तो शनिवार को सैटरडे को वो बैठे, मतलब मिले नहीं थे हम लोगों को, वापस आना पड़ा। लेकिन सिख मम्मी को हम लोगों ने जो न्यूरो के डॉक्टर थे, सर जो सर वाले थे डॉक्टर जिनको सर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको दिखा के फिर लोग वहीं से वापस हो गए थे। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो मम्मी अब मतलब जाना भी चाहती, मम्मी घर भी जाना चाहती, मम्मी कहीं बहुत दिन हो गए, एक डेढ़ महीना हो गया कि मम्मी मतलब घर की फिर चिंता लगी रहती है, तो मम्मी को घर भी जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यही सब मतलब दिक्कतें हैं, तो मैंने आपको बता दिया, तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मम्मी को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वहाँ भी जैसे क्या होता है, मम्मी रहती हैं कि अच्छी चली जाती है, मानती हैं कि नहीं मानती है, मतलब मैं तो कह रही कि रुक जाओ अभी, और देखते हैं क्या होता है। तो बस यही सारी बातें थी, तो शायद अब आप लोगों को पता चल गया होगा मम्मी के ट्रीटमेंट के बारे में, क्या चल रहा है और कैसी तबीयत है। तो ये जो सर में इनके मतलब मेन जो दिक्कत है वो सर वाली दिक्कत है, कि सर में इनके बराबर कंटिन्यू आवाज़ आती रहती है, बस थोड़ी सी चिंता उसकी लगी रहती है, बाकी तो मतलब अपना अपने आप के बैठ जाती है, खाना वाना सब अपने आप ही खा लेती है। हाँ, तो मम्मी यही बोल रहे हैं कि देखिए कि मतलब बाँह सही हो जाए थोड़ी, तो कुछ मतलब सही अच्छा लगे मम्मी के, मतलब हाँ हाथ में सूजन बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बस यही पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, ताकि और आने वाली न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो चलिए, और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और साथ में अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और यहाँ पे धूप नहीं निकली, दो तीन दिनों से तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बहुत ठंडा हो रहा है, कल भी बिल्कुल धूप नहीं निकली थी और आज भी बिल्कुल धूप नहीं निकली है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग या फिर वीडियो में।